मनाली तक ही रह जाते हैं या फिर रोहतांग तक ही रह जाते हैं, ये काफ़ी कम लोग जानते हैं। जो मेन रिवर है वो उस साइड है, आइए हम इसको क्रॉस करते हैं और चलते हैं उस साइड। यहाँ पे कैंपिंग के लिए बहुत ही फेमस जगह है ये। बाकी होटल वगैरह में रुकना और वहाँ पे वो सब तो चलता ही, वो तो सभी कर रहे हैं, कुछ नया तो हो नहीं रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू घुमक्कड़ शायद। दोस्तों अभी मैं लेह मनाली हाईवे पर हूँ और दोस्तों हम लोग चल रहे हैं आज जिस्पा एक्सप्लोर करने, जो लाहौल वैली के अंदर आता है। और दोस्तों ये सामने आपका अटल टनल है, इंडिया का सबसे बड़ा टनल दोस्तों, 9 किलोमीटर का यह टनल है। और ये निकलते ही दोस्तों ये लाहौल वैली यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। मनाली से जिस्पा की दूरी 92 किलोमीटर है, आप बाई बस भी जा सकते हैं मनाली से। सुबह में मनाली टू लेह 5 बजे जाती है, आप उससे जिस्पा उतर सकते हैं। बाकी आपको शेयरिंग में टैक्सी भी मिल जाएंगी। हम जिस्पा के मेन रोड पर हैं और देखिए आपको ये होम स्टे होटल वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और दोस्तों ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये अगर आप यही दिसंबर में आएंगे या फिर दिसंबर के बाद आएंगे तो ये पूरे पहाड़ जो हैं ये वाइट एकदम बिल्कुल सफ़ेद चादर से भरा रहता है। ये काफ़ी खूबसूरत ये जगह है जिस्पा। और चले चलते हम दोस्तों यहाँ पे जिस्पा के जस्ट रोड के किनारे वैली, बहुत ही खूबसूरत वैली है वो आपको हम एक्सप्लोर करेंगे। जिस्पा जो है ये लाहौल का एक बहुत ही प्यारा गाँव है और यहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा। अगर आप नेचर लवर हैं तो यहाँ ज़रूर आइए, बहुत ही प्यारा जगह है ये। हिमालय में एक से एक जानते ही हो आप एक्सप्लोर, जितना हिमालय आप एक्सप्लोर करोगे उतना ही कम लगता है। और जितनी आप जगह एक्सप्लोर करोगे वो सब नई नई जगह होते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम, और जो बघा रिवर जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो बघा रिवर के मैं किनारे आ गया हूँ तो आपको दिखाते हैं। हम बघा रिवर है और ये मेन नहीं है, अभी हम इसको क्रॉस करके उस साइड जाएंगे, मेन उस साइड है उसका। मनाली तक ही रह जाते हैं या फिर रोहतांग तक ही रह जाते हैं, ये काफ़ी कम लोग जानते हैं। जो लेह लद्दाख जाते हैं उनको तो जानकारी होता है, पर ये मनाली से मात्र दोस्तों 90 किलोमीटर के लगभग ये दूरी पर है। तो आप यहाँ ज़रूर आइए और ये बहुत, और सबसे बेस्ट चीज़ ये है दोस्तों कि HRTC की बस भी यहाँ पर आती है, यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं दोस्तों। क्या शानदार दृश्य है, देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है यहाँ पे, ही अद्भुत जगह है ये जिस्पा। और लेह लद्दाख जो जाते हैं यहाँ पे ज़रूर स्टे करते हैं जिस्पा में, क्योंकि आप अगर मनाली से लेह लद्दाख जा रहे हैं तो ये बीच में काफ़ी खूबसूरत जगह है जहाँ पर सब कुछ अवेलेबल भी है। यहाँ का मार्केट भी मतलब छोटा ही मार्केट है पर खूबसूरत मार्केट है। आप यहाँ आपको बेसिक चीज़ जो है आपके वो मिल जाएंगी। मेन रिवर है वो उस साइड है, आइए हम इसको क्रॉस करते हैं और चलते हैं उस साइड। काफ़ी सावधानी से दोस्तों क्रॉस करना पड़ेगा। ये है बघा रिवर और देखिए कितना प्यारा रिवर है, ये कितनी खूबसूरत रिवर है आप देख रहे हैं। छोटा सा ही गांव है दोस्तों पर बहुत ही प्यारा गांव है ये लाहौल का जिस्पा। तो आप अभी जिस्पा एक्सप्लोर कर रहे हैं तो दोस्तों देखिए ये बघा रिवर कितना प्यारा रिवर है ये। एक तो ये दोस्तों ये जा रहा है इसका, और वो उस साइड ये बीच में थोड़ा बालू का और कंकड़ का पत्थरों का दोस्तों बीच में ये बना हुआ है, उसके आगे भी ये बघा रिवर का ही पार्ट है, वो भी घेरा हो रखा है यहाँ पे। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कैंपिंग के लिए बहुत ही फेमस जगह है ये, यहाँ पे कैंपिंग दोस्तों बहुत होती है। आप साइड में देखोगे तो पूरा ये कैंपिंग वगैरह सब देख रहे हैं, साइड से पूरा कैंप लगा हुआ है ये पूरा, क्योंकि ये कैंपिंग के लिए बहुत ही फेमस जगह है। जो भी लेह लद्दाख जाते हैं वो यहाँ पर तो एक बार ज़रूर स्टे करते हैं। आप जैसे जिस्पा में इंटर करोगे वैसे आपको कैंप दिखने मिल जाएंगे, काफ़ी कैंप लाइन से ही आपको कैंपिंग करने को दिख जाएगा। और यहाँ के रेट अलग अलग है, आपके ऊपर है आप कैसे बार्गेनिंग कराते हो, कोई 900 बोलेगा, कोई 1500 बोलेगा, कोई 2000 बोलेगा, कोई 4000 भी बोलेगा। तो दोस्तों जिस्पा में स्टे किया है मैंने और यहाँ पर डिनर का व्यवस्था मैंने स्टार्ट किया है, और डिनर अब देखिए पूरा सिस्टम पनीर वगैरह लेकर आ गया हूँ, पनीर है और तमाम चीज़ें हैं।
प्याज टमाटर सब कुछ ले रखे हैं, और पनीर की सब्जी प्लान हुआ है कि पनीर की सब्जी मैं बनाऊंगा खुद से, और रोटी बगल में ही यहाँ पे ढाबा है तो रोटी वहाँ से लूँगा, क्योंकि सब्जी थोड़ा बाहर का मैं अवॉइड करता हूँ मैक्सिमम। जब खुद पे चूल्हा वगैरह है तो फिर कोई मतलब नहीं है उतना करने का, तो ज़्यादा अवॉइड ही करता हूँ मैं बाहर का सब्जी वगैरह इन लोगों का ढाबा का, क्योंकि पहले कटिंग का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं फिर ट्रेवल का आनंद तभी है जब आप खुद से खाना बना रहे हो, तब उसका जो फीलिंग आता है वो अलग है, और वो लाइफ टाइम एक याद छोड़ जाती है वो चीज़ें जो है ये सब। बाकी होटल वगैरह में रुकना और वहाँ पे वो सब तो चलता ही, वो तो सभी कर रहे हैं, कुछ नया तो हो नहीं रहा है। प्याज काटना सबसे डिफिकल्ट काम है। अगर आप सोलो ट्रैवल करते हो तो आपकी एक और अच्छी आदत हो जाती है कि खुद से काम करने की आपकी एक बहुत ही अच्छी आदत हो जाती है। जब से ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, मेरे को 10 साल हो गया ट्रैवल करते हुए, और 10 साल से समझ लो आप कि मैं खुद से ही अपना सारा काम करता हूँ। मैं घर भी जाता हूँ तो खुद से ही कर रहा हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि चाहे वो जंगल हो या फिर कहीं भी आप कर रहे हैं, कहीं कैंप में भी कहीं आप स्टे करके वहाँ अगर खुद का बना रहे हो, तो गंदगी कम से कम गंदगी से बचें, और गंदगी ना करें खुद तो कम से कम ना करें, और उसको अपना कहीं डस्टबिन देखें, अगर डस्टबिन नहीं है तो कोई प्लास्टिक जो जिसमें आप लाएं सामान उसमें अपना डाल के और उसको देख कर इसके जहाँ जाना चाहिए वहाँ पर इसको पहुँचा दिया जाए। तो दोस्तों आप मेरे हर वीडियो में देखोगे मैं इसके काफ़ी खिलाफ़ हूँ गंदगी के, क्योंकि मैं देखता हूँ लोग ट्रेवल करते हैं और कूड़ा कचरा दम करके दिल्ली नोएडा आप चले जाओ या कोई भी सिटी चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ, हर जगह सांस लेना मुश्किल हो गया है। तो अब पहाड़ों को भी लोग नहीं छोड़े, यहाँ पर भी आते हैं ट्रेवल करने के लिए और पूरा गंदगी करके जाते हैं, पूरा छेहट मचा के जाते हैं यहाँ से। करते हैं गैस स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जिसपा में 9 बजे तक सारे शॉप बंद हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं भाग कर आया, रोटी लेने आ गया हूँ यहाँ पर, और सब्जी तो बना रहा हूँ पर रोटी तो मैं यहाँ शॉप है तो मैंने बात किया था यहाँ पर, तो उन्होंने बोला कि 8:30 बजे तक आप आ जाना, तो मैं 8:30 जैसे बजे मैं भाग के आ गया हूँ, और यहाँ पर दो दी हैं वो बना रही है रोटी, उन्होंने बोला फटाफट बना दिए क्योंकि वहाँ सब्जी मैंने रखा हुआ है तो दिक्कत हो जाएगा, जल जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पे ये लेह लद्दाख ढाबा नाम से एक यहाँ पे यह ढाबा है, तो यहाँ पे वो रोटी बन रहा है। मैक्सिमम टाइम आप लोग का क्या रहता है? 10 बजे तक ओपन रहता है। भाई साहब यहाँ पर थे वो तो बोले थे कि 8:30 मतलब 9 बजे तक मैक्सिमम, आजकल जल्दी भीड़ कम है इसलिए। दोस्तों यहाँ पर अभी 10 डिग्री है टेम्परेचर, और इस टाइम सितंबर में 10 डिग्री बहुत होता है। तो दोस्तों सारा सिस्टम सारा व्यवस्था हो गया है, ये अब शुरू करते हैं, और हवा बहुत चल रहा है यहाँ पे। ये सेव का बगान है, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लियर आपको दिख जाएगा सेव, आपको जूम करके मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ये सेव का बगान देख रहे हैं आप, ये पूरा ये सेव का बगान है, देखिए आप पूरा चारों तरफ ये सेव का ये बगीचा है, और मैं ये आपको सुबह दिखाऊंगा, सुबह आपको क्लियर मैं इसको दिखाऊंगा पूरा। अपना रेडी हो गया है अब फाइनली, सब्जी अपना रेडी हो गया और रोटी मैं लेके आ गया हूँ, तो चलिए अब शुरू करते हैं। ए
सेट तू ना हो पर हट लेट मी गो तो दोस्तों देखिए पूरा यहाँ पर जिसपा में कैंप में माहौल रहता है यहाँ पर रात में आप यहाँ पे कैंप में यहाँ स्टे करने का अलग ही माहौल रहता है। यहाँ पर बॉनफायर वगैरह होता है और यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह भी डांस वगैरह भी होता है आप देख रहे हैं यहाँ पे। आज का सफ़र यहीं तक था, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद।